Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher Miss Farheen and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 2 Culture and today is its 10th lecture. So my dear students, let's quickly look at today's objective that by the end of today's lecture all the students will be able to <coughs> define the term communication.

जल्दी से देखें और मुझे बताएं कि इन साइंस को देख के आपके दिमाग में क्या आता है कोई साइन व्हाट्सएप का है कोई गूगल का है डिफरेंट आपको कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं ई मेल के साइन है इसके अंदर जी मेल का साइन है तो इनसे आपको ट्विटर का साइन है ये साइंस जो है ये सारे जो है डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन है आप डिजिटली डिजिटली कम्युनिकेट करते हैं आप बाय लेटर कम्युनिकेट करते हैं आप पोस्ट कार्ड से कम्युनिकेट करते हैं आप बोलकर बात करते हैं ये जो वीडियो है जो हम बात कर रहे हैं आपस में दिस इज ऑल्सो अन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो माई डियर स्टूडेंट्स हाउ डू वी कम्युनिकेट हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं कैसे एक से एक बात जो है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं वर्बली बात करकर लफ्जों से और वो लफ्ज बात करके भी हो सकते हैं रिटर्न तरीके से ओरल तरीके से लिख कर बात करकर कर, तो आपके रिटर्न तरीके क्या क्या हैं जिनसे आप जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं खत लिखकर और ईमेल सेंड करके व्हाट्सएप करके मैसेज करके इन तमाम तरीकों से आप जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं लफ्जों को लिख देते हैं ना कोई और उसको पढ़ लेता है तो आपकी बात रीड हो जाती है अब ओरल तरीके से आप कैसे जो है वो बात समझाते हैं अपनी रेडियो टेलीविजन मोबाइल फोन आपस में बैठकर बात करना वीडियो कम्युनिकेशन ये सब जो है ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन और इनको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं जिसमें लव्स शामिल नहीं होते तो जब लव्स ही शामिल नहीं होंगे तो बात कैसे पहुंचेगी दूसरे तक चलें देखते हैं बॉडी मूवमेंट्स लाइक डिफरेंट इशारों से एक्सप्रेशन से यानी कि आप सैड एक्सप्रेशन हैप्पी एक्सप्रेशन देकर भी आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं सो so, और क्या है फेशियल एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया टच से आप बता सकते हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट आप आंखों से भी अपनी बात जो है वो समझा सकते हैं मम्मा जब गुस्सा करना होता है मेहमानों के सामने और वो मुंह से नहीं बोलती वो आंखों से बात करती हैं आप समझ जाते हैं मम्मा को गुस्सा आ रहा है इस टाइम सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा ही है ना चले इसके अलावा डिफरेंट जेस्टर्स हैं आपके जो कि आप हाथों से बताते हैं चले लेट्स क्विकली रिफ्रेश योर नॉलेज हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव एंड फैमिली मेंबर्स दोस्तों से बात करके लेटर लिख के मैसेज करके ई करके फोन पे बात करके हम कम्युनिकेट करते हैं एंड डू यू वॉच टीवी एवरी वन वॉच टीवी सो ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आप टी वी पर मुख्तफ प्रोग्राम देखते हैं और इस तरीके से न्यूज सुनते हैं जिससे आपको पूरी दुनिया का हाल पता चल जाता है और आप तक कम्युनिकेशन हो जाती है हैव यू हर्ड अबाउट रेडियो यस मैं तो गाड़ी में अक्सर रेडियो सुनती हूँ आपने सुना है वेरी गुड डू यू लाइक टू पेंट क्या आपको पेंटिंग करना पसंद है आप पेंटिंग से भी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बगैर बोले सो पेंटिंग आर्ट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिकस्पेक्टिव एंड बी मॉडरेट इन योर पेस एंड लोअर योर वॉइस इन डी द मोस्ट डिसग्रीएबल ऑफ साउंड इज द वॉइस ऑफ डॉकिज सो माई डियर स्टूडेंट्स अपनी आवाज को नीचे रखना चाहिए मध्यम रखना चाहिए वॉल्यूम कम रखना चाहिए शाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह तला को तेज आवाजें पसंद नहीं है जैसे कि डोंकी की आवाज ठीक है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाव क्विकली ओपन पेज नंबर ट्वेंटी एट इन योर बुक्स आई होप एवरीबडी हैज ओपन पेज नंबर ट्वेंटी एट इन द बुक्स सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हम डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन पर क्योंकि बात कर रहे हैं सो फर्स्ट लुक एट अ टेबल जो कि आपकी पेज पर दिया हुआ है सो हैव अ लुक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तो कौन सी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है बात को दूसरों तक पहुंचाने के दो जरिए हैं वर्बल यानी कि जिनमें अल्फाज का इस्तेमाल हो नॉन वर्बल जिनमें आवाजों जिसमें लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता वर्बल मीन्स वर्ड्स जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है एंड नॉन वर्बल मीन्स विदाउट वर्ड्स सो जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है इट डिपेंड्स ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन वेयर एज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स आर्ट बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर्स आई कॉन्टैक्ट और जो हमने अभी डिफरेंट एक्टिविटी में जो हैं वो, uh, है वो वेज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं नॉन वर्बल ठीक है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग पुट योर फिंगर्स वेर आई विल रीड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज अटिन वर्ड दैट मीन्स टू शेयर सो माई डियर स्टूडेंट्स ये एक लेटिन वर्ड है इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड सो इसका मतलब ये है कि बात को शेयर करना यानी कि शेयर करना है इसका मतलब इट इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इट इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन बिहेवियर्स एंड रिटन कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस एंड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर देर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन शोन इन द फ्लो चार्ट सो माई डियर स्टूडेंट्स बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है कि अपने आइडियाज़ को अपनी सोच को अपना नज़रिए को दूसरों तक पहुँचाना किसी दूसरे तक पहुँचाना आप क्या सोच रहे हैं उसको दूसरों तक पहुँचाना अब उसको दूसरों तक पहुँचाने को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं तो कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं दूसरों तक बात पहुँचाने के दो तरीके हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल जो कि अभी हमने फ्लोरचार्ट में भी पढ़े और एक्टिविटी में देखे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे ठीक है द लैंग्वेज लेटर्स ईमेल पोस्टकार्ड न्यूज पेपर इंटरनेट कंप्यूटर टेलीविजन रेडियो मोबाइल फोन आर्ट एक्सेट्रा दीज ऑल आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दे हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आर लाइव ऑल दीज मीन्स हैव मेड आर लाइफ ईजियर सो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देख ली वर्बल एंड नॉन वर्बल अब हम इनको इन डिटेल देखेंगे क्विकली टर्न टू पेज नंबर ट्वेंटी नाइन वेरी गुड सबसे पहले हम जो वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हम उनको डिस्कस करेंगे यानी कि जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद लैंग्वेज इट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इफ द टू और मोर पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज They can easily understand and convey their messages. So, my dear students, किसी तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे पहला तरीका जो है वह है language, यानी कि बात करके आप अपनी जो आ, सोच है वो दूसरों तक ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आइडियाज को दूसरों तक ट्रांसफर कर सकते हैं और वो थ्रू लैंग्वेज होता है अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है किसी दूसरे की तो आप इजिली उसकी बात को समझ सकते हैं अगर मुझे स्पेनिश नहीं आती या मुझे फ्रेंच नहीं आती तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं फ्रेंच uh, या स्पेनिश जो पर्सन है उसकी बात को अंडरस्टैंड कर सकूं सो लैंग्वेज इज द फर्स्ट मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन और इसमें आपको लैंग्वेज समझनी जरूरी है तभी आप बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लेटर इट इज ऑल्सो वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेटर्स इंक्लूड मनी ऑर्डर्स पर्सनल लेटर्स

इसके अलावा पोस्ट कार्ड होते थे ईद कार्ड होते हैं जो आप दूसरों को तक भेजते हैं इसके अलावा ऑफिशियल लेटर्स होते थे जो कि लिखे जाते थे फिर उनको पोस्ट किया जाता था फिर जो पोस्टमैन है वो पोस्टमैन उसको डिलीवर करता था आपके डिजायर्ड पर्सन को लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, था पुराने जमाने में ये वाला मेथड बहुत ज्यादा यूज होता था पीपल आज भी पीपल यूज टू राइट राइट लेटर्स बट बहुत कम हो गया राइटिंग uh, लेटर जो है अब जो है लोग ई यूज करते हैं दिस इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ लेटर जो कि थ्रू इंटरनेट जो है वो भेजा जाता है इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप एक ईमेल जनरेट करते हैं उसको लिखते हैं उसके बाद आप उसको मल्टीपल पीपल को भेज सकते हैं एक लेटर तो जब आप पोस्ट करेंगे तो वो एक ही बंदे के पास जाएगा लेकिन ईमेल जो है वो आप एक दफा लिखेंगे और आपने जिस जिस को सेंड करनी है उसका एड्रेस आप डालें और उसको थ्रू इंटरनेट सेंड कर दे तो वो बहुत सारे लोगों को जो है मिल जाती है इस वजह से टाइम कम लगता है पैसे कम लगते हैं और ज्यादातर लोगों तक जो है आपकी बात कम्युनिकेट हो जाती है सो ई आर मॉडर्न एंड टाइम सेविंग सो लेट स्टार्ट विद इंटरनेट नाउ इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन पीपल यूज डिफरेंट डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स सेलफोन्स एटसेट्रा एज मीन्स टू यूज द इंटरनेट इट इज यूज फॉर मेनी पर्पज

Uh, दुनिया बहुत छोटी हो गई है और कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया है टाइम सेविंग हो गया है सो so, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एट वंस जो है उसको शेयर कर सकते हैं टाइम भी बहुत कम लगता है पैसे भी कम लगते हैं और ज्यादा लोगों तक बात भी पहुंच जाती है सो नाउ मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन दिस इज टेलीविजन एंड रेडियो लेट्स रीड इट आउट टेलीविजन एंड रेडियो television and radio are used for spreading news or information when a person wants to communicate with the masses. he uses tv and radio to convey a message. these means are used for educational purpose, entertainment, awareness among people on specific issues, etc. so my dear students, jab you pura mulk tak panchani hai, yappuri dunya tak baat hai, then all means of communication use kiya jata hai that is tv and radio. और टीवी और रेडियो से जो है आप एंटरटेनमेंट होती है एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है न्यूज स्प्रेड करने के लिए यूज होता है रेडियो टीवी बोथ तो अगर आप एक न्यूज जनरेट करते हैं टीवी पे, तो पूरी दुनिया जो है उस तक ये बात पहुंच जाती है सो टेलीविजन एंड रेडियो आर वेरी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेल फोन्स It is the most used means of communication. People use cell phones for communicating with others. It connects you with the people within a minute without making any effort. You can talk to people living in any city of the country and the people living in other countries. So, my dear students, just subsequent means of communication use that is cell phone your phone. Within a minute, you can make a call to a person sitting in America or in Australia or in Canada. और इन कराची और इन पिशावर और विद इन अ मिनट आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है और आप अपनी बात जो है वो डिजायर्ड uh, पर्सन तक पहुंचा सकते हैं सो टाइम्स सेविंग है ये भी और वेरी यूजफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन नाउ वी विल मूव टू वर्ड्स एन अदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन विच इज आर्ट एंड दिस इज नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओके लेट्स रीड इट आउट पीपल ऑल्सो एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स थ्रू आर्ट It includes objects, paintings, etc. People use art as a platform to express their experiences and creative abilities worldwide. Painting is a form of non verbal language. Art is not only used to express feelings but to record historical events, stories, and symbols. So, my dear students, that is through art. Paint, karke, draw, draw. आप अपनी बात अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को अपने सेंटिमेंट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं एंड इट इज अ नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि इसमें कोई वर्ड्स लेटर्स का यूज नहीं होता जस्ट थ्रू पेंटिंग आप बता सकते हैं कि वट इज़ डिस्क्राइब द पेंटिंग इसको एक और तरीक़ uh, uh, चीज़ के लिए भी यूज किया जाता है आर्ट को टू रिकॉर्ड डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स ठीक है Um, जैसे कि पुराने ज़माने की हमें अक्सर पेंटिंग्स जो हैं वो मिलती हैं और हम उस वक्त के uh, माहौल को या उस वक्त कैसा आर्ट होता था हम उसको देख सकते हैं सो so, आप ये हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी हम पेंटिंग्स को यूज़ करते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स सो द रैप अप ऑफ द लेसन इज़ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज़ नोन एज कम्युनिकेशन अपनी बात को शेयर करने को कम्युनिकेशन कहा जाता है कम्युनिकेशन हैज़ टू प्राइमरी फॉर्म्स वर्बल एंड नॉन वर्बल

आप इसको फ्यूचर में यूज करेंगे uh, अभी यूज नहीं करते तो आप इसको फ्यूचर में यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे आपने रीजन लिखना है लेट मी डू वन थिंग फॉर यू बॉडी लैंग्वेज आई यूज यस आई विल नॉट यूज बिकॉज डैश क्योंकि मैं ये यूज करूंगी आई विल यूज इट इन फ्यूचर डैश ठीक है क्योंकि मैं इसको रिसेंट टाइम्स में भी यूज करी हूं मोबाइल फोन यस डैश डैश यस फ्यूचर में भी यूज़ करूंगी इधर भी यस ही आएगा सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द वर्कशीट और अगर आप इसको अभी यूज नहीं कर रहे तो आप उसका रीजन लिख देंगे क्योंकि अगर जैसे आप अगर ई uh, मेल <coughs> यूज नहीं करते तो आप कहेंगे आई डू नॉट हैव इंटरनेट एक्सेस और कंप्यूटर राइट नाउ आई विल बाई इट इन फ्यूचर एंड देन आई विल यूज इट ठीक है दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट इट कंप्लीट इट एंड सबमिट इट टू योर टीचर

That is most preferred. One letters were used in the past more frequently. Now, emails are used more frequently because they save our time. Uh, we can communicate to more people at one time and it also saves our money. So, uh, write it down in this way in your notebooks. And now we'll be, we will move forward towards page number 32, exercise C, question number two. How are the means of communication necessary? क्यों मीनस ऑफ कम्युनिकेशन नेसेसरी ने बिकॉज वी कैन कन्वे आवर आइडियाज एंड मैसेजेस टू द अदर पीपल सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द यूनिट रिव्यू क्योंकि आपका यूनिट जो है वो आज खत्म हो गया है वी वी हैव फिनिश्ड इट नेक्स्ट उसमें हम रिविजन करेंगे और असेसमेंट करेंगे कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़